गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेसिमल फ्रैक्शन हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और डिवाइड भी हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं। अब हम इसका एक्सरसाइज 36 करेंगे जिसमें कि डेसिमल लगा हुआ नहीं है, हमें उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें 1/2 यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वन नंबर, इसमें डिवाइड करना है 1/2 से। अब हमें पता है ये जो लिखा है 1/2 इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये हमारा डिवाइज़र होगा और 1 जो है वो हमारा डिविडेंड होगा, इस तरीके से। ठीक है, कोई रफ वर्क में नहीं करना, आपको कॉपी पे करना है सीधा। 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। अब हमें पता है 2 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, 0 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे। हम 0 लगा देंगे क्योंकि पहला नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, इस डेसिमल का हमें 1 0 यहाँ मिल जाएगा। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 10, तो हमारा क्या आंसर आया, 1/2 इक्वल टू 0.5। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करके बता दे रही हूँ। सेकेंड है हमारा 3/4 यानी कि इक्वल टू, यहीं पे लिख देंगे 3/4। अब डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 बड़ा है 3 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा तो 0। फिर डेसिमल, फिर उसका 0। 4 7 जा 28। अब इस डेसिमल का 1 0 हमें और मिल जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 3/4 का 0.75 इज़ द आंसर। थर्ड 4 आप लोग करिएगा, 1/4 और 7/8। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 करके बता रही हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा बड़ा नंबर आ गया यानी कि 35/8 से डिवाइड करेंगे 35 को। अब हमने यहाँ पर 0 लगाया था क्योंकि हमारा 3 डिवाइड नहीं हो रहा था 4 से, बट यहाँ पर 8 से हमारा 35 डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 3 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल इसका 0। 24 फिर 0 मिल जाएगा, 0 तो हमारा क्या आंसर आया, 35/8 इक्वल टू 4.375 इज द आंसर। हमें हर हाल में एटलीस्ट 3 डिजिट तक निकालना होगा, अगर बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तब भी हमें लास्ट में 3 डिजिट तक आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप लोग इसका क्वेश्चन सारा कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक ही है। अगर आपको और भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं ये बता देती हूँ, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है ये भी हमारा सिंपल इसी तरह का डिवाइड है, सिर्फ डिवाइड ही है हमारे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 तक है। आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं तो 8-9 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इस डिवाइड को करेंगे, बहुत ईजिली कर पाएंगे, फिर हम नेक्स्ट डे दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।